इस ट्रिप का सबसे बेस्ट वाटरफॉल जो मैंने देखा है वो है ये वाला। ऋषिकेश की 4 घंटे की ड्राइव के बाद फाइनली पहुंचा चकरा था। अब यहाँ से वाटरफॉल के लिए मैंने गूगल मैप पर टाइगर वाटरफॉल अभी आगे वो सेट किया है, यहाँ से कुछ 18 किलोमीटर दिखा रहा है जो कि 44 मिनट्स में मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगा। टाइगर वाटरफॉल के रोड जो है, रोड तो ठीक है पर थोड़ा सकरा रोड है काफी ज्यादा, लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना यार वो बहुत शानदार है भाई, बहुत ही ज्यादा। आप सामने देखो, अगर दिख पाए तो मैं इसको एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो आप एक बार है शानदार भी यहाँ पर। बाहर का टेम्परेचर भी जो है 13 डिग्री का हो गया है इस समय, लेकिन धूप अभी काफी तेज है। अगर विंडो बंद कर लूं मैं तो गर्मी लग रही है गाड़ी के अंदर, क्योंकि गाड़ी का एवरेज भी चेंज हो गया है, अभी 18.6 का हो गया है पहाड़ों में। अभी रोड काफी खराब सकरा और इस तरह का रोड है काफी। ओके, और यहाँ पर कुछ होटल दिखे हैं मेरे को, सही रहेगा ये, अच्छा लग रहा है यहाँ पे होटल यार। कुछ नहीं है तो यार एक बार देखते हुए चल ही रहे हैं, एक अंदाजा लग जाएगा रूम का भी। बाहर से है ना, चलो भाई साहब रूम देख लेते हैं एक बार। यार टाइगर फॉल तो यहाँ से 1 किलोमीटर ही बस है ना, आप ट्रैक करना है क्या? ट्रैक भी है और अगर गाड़ी से जाना चाह रहे हो गाड़ी से भी है। गाड़ी अपनी जा सकती है? हाँ जी। तो रास्ता कैसा है उसके लिए? रास्ता सही है, गाड़ी आराम जाएगी। यही रास्ता है। अच्छा तो देखते हैं ऊपर जाकर ट्रैक करते हैं, अच्छा रूट हुआ तो फिर मैं जो है गाड़ी से चला जाऊंगा वहां पर, तो टाइम सेव हो जाएगा। यहाँ पर ज्यादा लोग है नहीं क्या? समय भी खाली पड़ा हुआ भी है, ऑफ सीजन चल रहा है अभी। एक सेकंड, रूम तो ठीक है यार, ठीक है रूम तो बढ़िया है यार, रूम तो ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह के का है, वहाँ पे पहुंचा ना ऊपर तो रोड से चाहिए वाटरफॉल के, वो टाइगर वाटरफॉल के लिए चकरा के लिए अलग से जाना पड़ेगा। अलग से जाना पड़ेगा सिटी, जैसे ये आप नीचे विकास ऊंचाई दे रहा तुमसे, हाँ हाँ आप तो सीधे आए ना जो यू टर्न सीढ़ी से बगल में जो जा रहा रोड, फिर आगे से फिर यू टर्न है। ओके चलो फिर मैं एक बार पहले यहाँ पे होके आता हूँ, फिर चलते हैं। तो भैया आगे चलते हैं, अभी यहाँ से रूम तो बढ़िया था तो मैंने चकरा था, मैं थोड़ी गलती करी थी, गूगल मैप के अकॉर्डिंग चलता रहा मैं, आप पूछ लेना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अंदर खुलेगा। ठीक है भैया, ये अपनी गाड़ी खड़ी है यहाँ पर, पहुँचते हैं यहाँ से। भैया पार्किंग है यहाँ पर, भैया पार्किंग है ये वाटरफॉल के लिए कहाँ से जाना है? यहाँ से तो पैदल ट्रैक है सर। तो भाई साहब ट्रैक करने के लिए तो यहाँ से पार्किंग, आपको गाड़ी यहाँ पे लगानी है और ट्रैक करने के लिए यहाँ से गया है रोड। ओके पक्का रोड है ट्रैकिंग के लिए, वो पूरा वहाँ तक जाना है पैदल पैदल, और गाड़ी भी जाती है, गाड़ी 2.5 किलोमीटर है यहाँ से 1 किलोमीटर है, तो क्या करा जाए, गाड़ी चलते हैं यार। तो यहाँ की टिकट है 30 रुपये की। टाइम होता जाता तो फिर मैं जो है ट्रैक करता। अब यहाँ से जाना है नीचे की तरफ जो कि और भी ज्यादा खराब रास्ता है, तो वही कच्चा रास्ता है, लेकिन इतने दिक्कत नहीं है कोई, लेकिन हाँ ये है कि कोई सामने से गाड़ी आ जाए, बाइक वालों के लिए तो बहुत बढ़िया है, बाइक से यहाँ जा रहे हो, गाड़ी अगर सामने से आएंगी तो दिक्कत है। वैसे तो ठीक है, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है रोड में, इस तरह की रोड पे आप गाड़ी स्लो ही चलाओ, क्योंकि गाड़ी में नुकसान ना हो किसी चीज का नीचे टकराने की वजह से, बस बाकी आप आराम से ले जाओगे कोई इशू नहीं है। अबे कितना नीचे जाना है यार, पता नहीं कब से नीचे जाए जा रहा हूँ।
सही आया भी हूँ कि नहीं भी आया हूँ सही यार, कोई हो तो पता करूँ। अब कोई हैवी तो नहीं जिसे पूछूँ मैं? वाटरफॉल के लिए रास्ता यहीं से लिखा तो था, वाटरफॉल नीचे की तरफ जाना है। अभी आगे से मेरे को दिखा तो रहा है यार ये भाई साहब, मुझे लग रहा है मैं गलत आ गया हूँ गाड़ी लेकर के यहाँ पर। मुझे ट्रैक ही कर लेना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था तो पूछ लेना चाहिए था यही रास्ता ठीक सही है कि नहीं है, कितना और नीचे जाना पड़ेगा। अभी उसने 2-2.5 किलोमीटर में बोला था, 2-2.5 से तो ज़्यादा ही आ गया यार अभी तक में। कोई मनुष्य है यहाँ पे कोई जिससे मैं पूछ सकूँ? अब ये क्या है यहाँ पे? निकल गई भैया निकल गई, कोई हो जिससे मैं पूछूं कि मैं सही जा रहा हूं कि नहीं जा रहा हूं भाई। ओहो हो गाड़ी आई इससे पूछ लो पूछ लो पूछ लो। अंकल वाटरफॉल के नीचे ही है क्या? हाँ, कितना और रह गया अभी? ठीक है थैंक यू। तो भाई साहब ने बताया मेरे को कि बस 1/2 किलोमीटर और बस यही है, बस यहीं पर है। तो बस करते हुए मैं बहुत नीचे आ गया हूँ और यहाँ पे चलो एक मेरे रिसोर्ट दिखा कैंपिंग एडवेंचर। यार ये भी सीन सही है, यहाँ पे लगता है कुछ बढ़िया तो यहाँ पे रुक जाएंगे। पहले वाटरफॉल देख करके आना है, वाटरफॉल के लिए आए हैं तो वाटरफॉल देखने जाएंगे हम। रोड 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 क्या कह रही है ये? चलो भाई यहाँ पे घर दिखे मेरे को और लोग वाग दिखे हैं, ठीक है। एक और गाड़ी आई, दबा लो गाड़ी को अपनी, अब इसको निकाल देते हैं। पहले हमारे पास जगह थी तो पहले हम निकालेंगे, अब आगे ली नहीं है भैया, ले लेते हैं लो। ठीक है भाई, तो ऐसे गाड़ियां एडजस्ट करी जाती हैं। अगर मेरे पास जगह है, रोड सक रही है, अगर जगह मेरे पास है तो मैं दबाऊंगा गाड़ी को, अगर सामने वाले पे है जगह तो वो दबा लेगा अपने आप ऑटोमेटिक, जो कोई सिग्नल नहीं देना पड़ता है। ओहो यहाँ पर पानी भर रहा है। तो हमें जाना है वहां पर नीचे की तरफ जो कि अभी काफी नीचे है। ये लोग जो मेरे को 2.5 किलोमीटर 1/2 किलोमीटर बोल रहे हैं ना, ये मेरे को बना रहे हैं बेवकूफ। ये बस चला जा तू गाड़ी लेके, पहुंच तो सही नीचे की तरफ क्योंकि रोड यार भाई एक्सयूवी का ना सलूट है गाड़ी को। अभी अभी तो क्या है, ढलान पे जा रहा हूँ अभी मैं, अभी अभी दिक्कत ये नहीं है कि मैं अभी नीचे पहुंच रहा हूँ, अभी आने में दिक्कत होगी क्योंकि स्लोप कुछ इस तरीके से है नीचे की तरफ। देखो आप एक बार देखो यहाँ पे, पता नहीं कैमरा इसको डिस्टिफाई करेगा नहीं करेगा लेकिन बाहर से जरूर करेगा कि स्लोप बहुत ज़्यादा नीचा है इसका। कैमरे को लगाता हूँ मैं पहले स्टैंड में। अभी मैंने जो है वाइड एंगल का हटा दिया है और मेन लेंस पे मैं जो है इसको यूज कर रहा हूँ कैमरे को। अभी आप देखो एक्चुअल फिगर, आप एक्चुअल चीज मालूम पड़ेगी रोड की कंडीशन की, कि कंडीशन एक्चुअल में है क्या। और रोड भाई साहब ओहो बहुत ही आराम से जाना पड़ेगा। यहाँ पे पूछ है क्या करें, ये वाटरफॉल तो यही है क्या? कितना और रह गया यहाँ से आगे? अच्छा अच्छा ठीक है भैया, तो यहाँ पे पार्किंग भी है। वाओ मैन, अच्छा गाड़ियां हैं, आई हैं गाड़ियां। रास्ते में कोई नहीं दिख रहा था मेरे को लेकिन यहाँ पे सब लाइन लगा के आए हुए हैं। सब क्या 3 गाड़ियां और कुछ बाइक हैं। तो भाई साहब चलो फाइनली गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं अपनी। तो पहले करनी है वॉशरूम और ये सारा सामान को पहले सेट कर देना है मेरे को, क्योंकि लैपटॉप का बैग और लैपटॉप दोनों ही जरूरी है मेरे लिए। चलो फिर निकलता हूँ अभी मैं, आपको फिर दिखाता हूँ वाटरफॉल, टाइगर वाटरफॉल। तो भैया यहाँ पे पार्किंग लगा दी मैंने अपनी गाड़ी की और यहाँ से मुझे जाना है ऊपर की तरफ। मुझे लगा ये था क्या, खाली पड़ा हुआ है जो, फिर मेरा दिमाग खराब हो गया था इतनी दूर आओ और पानी भी ना मिले वहाँ पर। आवाज़ तो अच्छी आ रही है, साउंड तो आ रहा है भाई। एक बार अपना सामान सेट कर लूँ पहले, उसके बाद फिर चलते हैं। तो भाई साहब यहाँ पर है टाइगर वाटरफॉल के ट्रैकिंग स्टार्ट। गाड़ी खड़ी वहाँ पर कर दी है मैंने अपनी और यहाँ से मैंने अभी मैगी और एक कप चाय पी है मैंने,
ताकि बॉडी में थोड़ी एनर्जी आ जाए ट्रैक करने के लिए। ज्यादा बड़ा ट्रैक नहीं है, छोटा सा ही ट्रैक है। और यहाँ का साउंड सुनो आप यार, क्या मस्त साउंड आ रहा है पानी का। एंड प्लीज डू नॉट लिटर। अभी पानी थोड़ा कम है यहाँ पर नीचे, एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं पानी ज्यादा है नहीं इस समय, बरसातें तो खूब हुई हैं लेकिन ठीक ठाक ही है, अभी ज्यादा पानी है नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। टाइगर वाटरफॉल पर आ गया। अब यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है ये, क्योंकि काफी बढ़िया है। चलो भाई नीचे चलते हैं एक बार। और वाटरफॉल देखोगे आप यहाँ पर है यार, यहाँ पर ओहो क्या गजब वाला आ रहा है यहाँ पर यार। और यहाँ से देखो एक बार इधर चलते हैं। इधर है असली चीज़ तो यहाँ पर है। कल वाले वाटरफॉल में, ऋषिकेश वाले वाटरफॉल में, इसमें भाई बहुत डिफरेंस है। वहाँ तो पानी था भी नहीं, और यहाँ पर देख रहा आप अभी, यहाँ पर ज़्यादा पब्लिक है भी नहीं। ओह माय गॉड, वाह डैम गुड यार, पानी है ना, पानी की बौछार है यहाँ तक आ रही है यार। वाह ऑसम। अगर आप इधर आ रहे हैं चक्रा तो राइट में, अगर आपने वाटरफॉल को मिस कर दिया ना तो आप समझो कुछ नहीं दिमाग में। और यहाँ का साउंड देखो, पता नहीं मेरी आवाज रिकॉर्ड हो भी रही है नहीं हो रही है। अरे वाह, एक थोड़ी दिक्कत ये है कि पानी की बहुत सारे भौते ये पता रही हैं, तो उसकी वजह से मैं गीला हो रहा हूँ, गीला कर रहा है मेरे को पानी जो है। मेरे जूते गीले हो गए, मेरी जींस, मेरा मोबाइल, पूरा सब कुछ गीला हो गया है, जबकि मैं इससे इतना दूर खड़ा हूँ अभी यहाँ पर। ओके एक बार ना थोड़ा अंदर चलते हैं उस साइड में, गीला हो जाऊँगा लेकिन वर्थ रहेगा यार। और हवा चल रही है, बहुत बढ़िया वाली हवा चल रही है। क्या फॉल हो रहा है यार ऊपर से पानी का यार, क्या गजब का फॉल हो रहा है। जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं इसको, वो देखो ऊपर क्या ऑसम फॉल हो रहा है यार। यार मैं पूरा गीला हो गया, मेरा मोबाइल और मेरा गिम्बल पूरा गीला हो चुका है, मैं यहाँ जाना पड़ेगा, आगे निकलता हूँ उससे पूरा गीला हो जाऊंगा। पर भाई सर्दी का मौसम है, पता नहीं आवाज रिकॉर्ड मेरी हो भी पा रही है नहीं हो पा रही है, मैं काफी तेज लाउड बोलना पड़ रहा है मेरे को। इधर आता हूँ अभी मैं यार, चश्मा देखो आप, अपने कैमरे को सुखाता हूँ पहले और अपने गिम्बल को सुखाता हूँ पहले। सही बात है, देर इज नो बेटर प्लेस टू फाइंड योर सेल्फ देन सिटिंग बाय अ वाटरफॉल एंड लिसनिंग टू इट्स म्यूजिक। सही बात है अली यार, इसका ये साउंड है ना बहुत ही औसम है। अभी मेरा ये गिम्बल है वो पूरा गीला हो गया यार, इसको मैं थोड़ा सा सुखाता हूँ। और फोन बच गया, घर से फोन आ गया। और ये साइड से वो सामने का व्यू है इसका, जहाँ से मैं आया हूँ अभी, वो सामने का यहाँ से। और यार यहाँ देखो मेरे यहाँ से जाने मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि पूरा गीला हो चुका हूँ, उसके बावजूद मेरा यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। अभी नहाने का मन कर रहा है मेरे को, यहाँ पे गीला तो हो चुका हूँ, चेंज कर ही लूँगा गाड़ी में, क्या करा जाए। नहीं भाई सर्दी हो जाएगी, ठंडा पानी है बहुत।
चलो भाई यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है और निकलते हैं यहाँ से अभी। काफ़ी देर मैंने स्पेंड किया मैंने यहाँ पर भी, अब निकलते हैं यहाँ से। कुछ बढ़िया शॉट लिए मैंने यहाँ पर वाटरफॉल पर, मज़ा आ गया यहाँ पर। चलो भाई अब छोटा सा था यहाँ, 200 मीटर होगा पार्किंग से यहाँ पे आना, ज़्यादा दूर नहीं था। अभी शरीर में क्या है, वाटरफॉल में जाने से शरीर में एनर्जी आ गई बहुत ज़्यादा वाली, बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। अभी अब निकलने का टाइम हो गया है, 3 बज चुका है मेरे को यहाँ पे अभी, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ चुरमुरी टॉप पर। यहाँ पर कि पहुँचते मेरे को 4:30 के आसपास बज जाएगा, और वो सनसेट पॉइंट है वहाँ पर, तो एक बार सनसेट देखते हैं। चलो भैया ये पतली सी गलियों से होकर निकलना है। अभी भी लोग आते जा रहे हैं, हमारी गाड़ी सेफली खड़ी है। चलो भाई साहब गाड़ी पे आ गया मैं, और यहाँ से निकलते हैं अब चुरमुरी टॉप के लिए। सनसेट होने से पहले पहुँच जाऊँ वहाँ पर तो ज़्यादा बेटर है, तो ज़्यादा अच्छा व्यू देख पाऊँगा वहाँ पे मैं। मेन चीज़ के लिए बना हुआ है, सनसेट और सनराइज का दोनों पॉइंट वहाँ पे बने हुए हैं। ग्लासेस गंदे हो गए पानी की वजह से, उसको बन गया है, इसको संभाल के रखने को बोला था उसने मेरे को, तो संभाल के रख लेते हैं इसको भी, पानी पी के निकलते हैं। बाय। तो कहानी अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ 3 बजे हैं, अभी तो सनसेट होना भी बाकी है, और मैं जा रहा हूँ भी एक ऐसी जगह पर जिसको देख करके आपका मन खुश हो जाएगा बस। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।